नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल करमेर, MSc एग्रीकल्चर। आज हम गेहूं में बात करेंगे किसान भाइयों कि जिंक की क्या आवश्यकता होती है या जिंक का गेहूं में क्या काम है। तो किसान भाइयों, जिंक जैसे कि हमारे देश में जो भूमि है उसमें 40-45% मृदा में जिंक की कमी पाई जाती है, तो हमें जिंक डालना, एक तो बहुत ही सूक्ष्म पोषक तत्व है ये जिंक, और इसका प्रयोग करना भी बहुत आवश्यक है। अगर किसान भाइयों हम मृदा में जिंक जो सूक्ष्म पोषक तत्व है इसकी मात्रा नहीं देते हैं तो हमारी फसल में पीलापन, धब्बे, गेहूं में आप देखेंगे पीलापन आ जाता है, धब्बे आ जाते हैं और साथ साथ पौधे सूखने भी लगते हैं और पौधे की वृद्धि रुक जाती है। तो किसान भाइयों, अब हमें यह कब देना है, किस मात्रा में देना है, तो हमें सबसे पहले किसान भाइयों हम आपको बताना चाहेंगे कि आपको अपनी मृदा की एक सॉइल टेस्टिंग यानी कि मिट्टी की जांच करा लेनी चाहिए, जिससे आपको क्लियरली पता चल जाता है कि हमारी मिट्टी में यानी कि हमारी मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व उपलब्ध हैं और किन किन पोषक तत्वों की कमी है, जिससे कि जो उपलब्ध हैं उनको ना डाल करके जिनकी कमी है हम उन पोषक तत्वों को मृदा में डाल दें, जिससे कि अच्छा सा उत्पादन अधिक ले सकें। तो किसान भाइयों, हमें जिंक का प्रयोग कब करना है, कितनी मात्रा में करना है, तो हम आपको बताते हैं। देने का समय, आप इसे बुवाई के समय दे दें। बुवाई के समय प्रति एकड़ की डोज हम आपको बता रहे हैं। बुवाई के समय नहीं दे पाए हैं तो आप सिंचाई से पहले, गेहूं की प्रथम सिंचाई से पहले आप इसका छिड़काव कर दें यूरिया में मिला करके और फिर आप सिंचाई कर दें। अगर आप सिंचाई भी कर चुके हैं और इसको नहीं दे पाए हैं, आपके खेत में पीलापन धब्बे देख रहे हैं, पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है, तो आप इसका सिंचाई के बाद 4-5 kg जिंक को यूरिया में मिला करके आप छिड़काव कर दें। 15-20 kg आप यूरिया ले लें और उसके साथ छिड़काव कर दें। अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप, सबसे बेस्ट तरीका है किसान भाइयों, अधिक लाभ मिले जिससे, आप इसका स्प्रे कर दें। 200-250 kg जिंक ले लें, 200-250 liter पानी प्रति एकड़ के हिसाब से आप गेहूं में स्प्रे करा दें। आप देखेंगे इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। गेहूं की जड़ों का विकास होगा, फुटाव होगा, कल्लों की मात्रा अच्छी बढ़ेगी, कल्ले बढ़ेंगे और गेहूं की ग्रोथ बढ़ेगी, गेहूं में उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी। किसान भाई, जब गेहूं की जड़ों का विकास होगा, कल्लों का विकास होगा, तो पौधा मजबूत होगा। जब पौधा मजबूत होगा तो पौधे में बालियां भी अधिक निकलेंगी और पौधे का उत्पादन भी अधिक हमको मिलेगा। तो किसान भाइयों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार किसान भाई।